देश में कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार बेहतर काम कर रही है, यह दावा IANSC वोटर COVID-19 ट्रेकर सर्वे की रिपोर्ट में तैयार किया गया है। सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक जब प्रधानमंत्री ने 25 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान किया था तब देश के 76.8% लोगों में मोदी सरकार पर भरोसा था, जो कि 21 अप्रैल को बढ़कर 93.5% हो गया है। सर्वे के दौरान लोगों ने कहा कि उन्हें लगता है कि सरकार कोरोना वायरस से अच्छी तरह निपट रही है। रिपोर्ट के मुताबिक यह सर्वे 16 मार्च से 21 अप्रैल के बीच हुआ। सर्वे में पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि भारतीय सरकार कोरोना वायरस के प्रकोप को अच्छी तरह संभाल रही है। इस पर 16 मार्च को 75.8% लोगों ने सरकार पर भरोसा जताया था। लॉकडाउन के पहले दिन यह आंकड़ा बढ़कर 76.8% हो गया। 31 मार्च तक 79.4% लोगों ने सरकार पर विश्वास जताया। इसके बाद यह आंकड़ा 21 अप्रैल को बढ़कर 93.5% हो गया। सर्वे कहता है कि कोरोना वायरस में चल रही इस जंग में केंद्र सरकार के हर सख्त फैसले को लोगों ने सही ठहराया है। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए फैसलों की सराहना की थी। गुरुवार को उन्होंने मोदी को चिट्ठी में लिख के कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आपकी सरकार की डिजिटल क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल किया है। गेट्स ने भारत के लॉकडाउन के फैसलों को सही कदम बताया है। तो गाइज, हमारे पास रिलेटेड जो भी अपडेट थी हमने आपके साथ शेयर की। ऐसे अपडेटेड वीडियो के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट।